नमस्ते, इजी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेनेटा डिसोसा। आज हम एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक दवा महामंजिष्टादि कषाय के बारे में जानेंगे। इसे महामंजिष्टादि क्वाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग इसे त्वक रोग, गाउट, सिफिलिस, नॉन हीलिंग वुंड्स, एक्जिमा, मोटापा, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया और नेत्र रोगों के उपचार में उपयोग करते हैं। इस दवा के इंग्रेडिएंट्स, इसमें मंजिष्टा, इसे त्वक रोगों में व्यापक रूप से उपयोग करते हैं और रक्त को शुद्ध करता है, और मुस्ता, यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है, और कुटाजा, गुड़ुची, यह त्वक रोग, मोटापा, खुजली, सूजन और बुखार से राहत दिलाने में लाभदायक है। यह एक उत्तम इम्यूनिटी बूस्टर भी है। और कुष्ठा, अदरक, भारंगी, शुद्र, वचा, नीम, यह गाँव को ठीक करता है। हल्दी, यह त्वक रोग में बहुत लाभदायक है और सूजन, खुजली आदि से राहत देता है। और दारु हरिद्रा, त्रिफला, यह तीन औषधि फलों का संयोजन, हरितकी, विभितकी और आंवला। और पटोला, कटुका, मूरवा, विडंगा, असन, चित्रका, शतावरी, त्रयमान, पिप्पली, इंद्रायव, वास, भृंगराज, महादारु, पाटा, खदीर, चंदन, त्रिव्रत, यह एक हल्के रेचक के रूप में कार्य करता है। और वरुण, किरातदीप्त, बकुची, यह विटिलिगो में उपयोग है। और कृतमाला, शाकोतक, महानिम्ब, करंजा, अतिविष, जल, इंद्रवारुणी, अनंत, सारीवा और परपट। महामंजिष्टादि क्वाथ चूर्ण उपरोक्त जड़ी बूटियों का हर्बल कोर्स पाउडर है। इस दवाई की खुराक और लेने का समय निर्धारित चिकित्सक के निर्णय पर निर्भर करता है। आमतौर पर इसे भोजन से पहले 12 से 25 ml की खुराक में लेने की सलाह दी जाती है। इसे बराबर मात्रा में पानी मिलाकर ले सकते हैं और पीते समय एक चुटकी काली मिर्च पाउडर और गुगड़ू मिलाया जा सकता है। इसका रेफरेंस शारंगधर संहिता मध्यमा खंड और वैश्य रत्नावली से लिया है। यह दवा टैबलेट के रूप में भी उपलब्ध है। इस दवा को केवल डॉक्टर्स के देख रेख में ही लेना सुरक्षित है। इसका निर्माण कई आयुर्वेदिक फार्मा कंपनियों द्वारा किया जाता है, जैसे नागार्जुन, डाबर आदि। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया विजिट कीजिए easyayurveda.com।